दोस्तों कुंभ राशि आपको बता दे, पार्टनर आपसी चाहती है यह चीज लेकिन बताती नहीं है। है जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में पढ़ लिए होंगे, तो दोस्तों आप अपनी लव लाइफ में एक पार्टनर को दोस्तों अपने रिलेशनशिप में करीब रखना चाहते हैं। उसे दोस्तों अपनी तरफ फकट और उसे दोस्तों अपने प्यार की दीवाने बनाने चाहते हैं। तो दोस्तों उनकी उम्मीद जो होते हैं दोस्तों उसे पूरा करने के लिए आपको जरूर ध्यान देना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके रिलेशनशिप में आने से पहले ही दोस्तों पार्टनर आपसे यह उम्मीदें करने लगते हैं कि आपके रिलेशनशिप में जुड़ेंगे तो आप उनकी यह सारी उम्मीदें पूरा करेंगे। लेकिन आप सभी दोस्तों जब तक बिल्कुल भी ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि आप सभी करते भी होंगे, लेकिन शायद आप सभी कोई ऐसे होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में दोस्तों आपको हम बताने वाले हैं कि आखिरकार आपकी पार्टनर को आप सिर्फ कौन सी उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं, और दोस्तों लेकिन वह बताते नहीं हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों, वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा अनुरोध करना चाहूँगा कि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि आज का दिन दोस्तों कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा उनके स्वास्थ्य, करियर, बिजनेस में, और फिर हम आपको पूरी जानकारी बताएंगे। तो आज का दिन दोस्तों आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके कार्यक्षेत्र में आपके कुछ नए नेटवर्क क्रिएट होंगे और आपका सामाजिक धारा बहुत ही अधिक बढ़ेंगे, जिनसे कि दोस्तों आपको आय के नए साधन मिलेंगे और आपकी आय में भी बढ़ोतरी होंगे। अगर आपकी सेहत की बात करें तो दोस्तों आप पेट से संबंधित समस्याओं से परेशान भी हो सकते हैं, पेट में दर्द की शिकायत भी दोस्तों आपको हो सकते हैं, इसलिए आप जल्दी पहुंचने वाले भोजन सुबह और शाम को करें तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका शरीर भी स्वस्थ रहेंगे। अगर व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो दोस्तों प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करने वाले जातकों को किसी भी कार्य के लिए जल्दबाजी दिखाने से बचना होगा, क्योंकि दोस्तों जल्दबाजी से आपको मुनाफा की जगह नुकसान भी हो सकता है और आप बहुत ही अधिक परेशानी में पड़ सकते हैं। युवा जातकों की बात करें तो दोस्तों युवा आने वाली जगह की पिक्चर, एकांत समय में ज्यादा बिताना पसंद करेंगे। बच्चों के झगड़े के चलते आपको अपने पड़ोसी से किसी बात को लेकर झगड़ा भी हो सकते हैं, इसलिए आप अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें और इस ओर दोस्तों सावधान रहे तो ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब इसी के साथ हम आपको बताते हैं कि आपकी लव लाइफ में दोस्तों आप ऐसी कौन सी चीज है जो कि चाहते हैं लेकिन वे आपको बताते नहीं हैं, और यह सारी दोस्तों उम्मीदें उनके लिए पूरा करना आपका कर्तव्य भी बनते हैं। तो चलिए हम आपको उन सारी चीजों के बारे में बता देते हैं जो कि आपसे चाहते हैं आपके पार्टनर। आप चाहे इसमें अपने पार्टनर के साथ में रिलेशनशिप व्यतीत कर रहे हैं या फिर आने वाले कल में किसी के रिलेशनशिप में बनेंगे तो दोस्तों वो भी आपसे यही उम्मीदें करने वाले हैं। तो चलिए जान लेते हैं उन उम्मीदों के बारे में, उस चीज के बारे में। तो दोस्तों पहली उम्मीद यह है कि दोस्तों आपके पान अपने और खुद से जुड़े लोगों के लिए सम्मान चाहते हैं, या दोस्तों ना सिर्फ उनकी चाहत है बल्कि उनका अधिकार भी है। ऐसे में दोस्तों आपके पार्टनर यह चाहते हैं कि आप उनके फैसले को सम्मान करें। जो भी सही फैसला दोस्तों आपके जीवन काल में लेते हैं उस फैसले के खिलाफ ना जाए बल्कि उनका सम्मान जरूर करें और साथ ही उनको सपोर्ट भी जरूर करें। कोई भी अगर दोस्तों व कार्य कर रहे हैं और उसमें सपोर्ट की जरूरत हो तो दोस्तों इसमें सपोर्ट दिखाएं। साथ ही आपको बता दें कि दोस्तों हम किसी से तभी अपने सुख दुख बांटते हैं जब हम उनके साथ में अपनेपन का एहसास हो। जी हाँ दोस्तों, और ऐसा दोस्तों आपके अलावा लाइफ में एक महिला जात चाहते हैं। अगर कोई महिला जातक आपके पार्टनर है तो वह दोस्तों चाहते हैं कि अपनी कामयाबी से लेकर नाकामी और खुशियों के अलावा गम तक में दोस्तों उस पार्टनर का हमदर्द समझे। यह तभी हो सकता है जबकि दोस्तों आप दोनों संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे। ऐसा नहीं
कि दोस्तों अपने लाइफ में अपने पार्टनर के लिए संवाद ना करें, यानी कि बातचीत करना भूल जाएं, अपने काम में इतना अधिक व्यस्त हो जाते हैं। आजकल के जमाने में व्यक्ति की दोस्तों अपने पार्टनर की सुख दूर हमदर्द को भी नहीं समझते हैं, जो कि या दोस्तों उम्मीद रहते हैं पार्टनर से पहले ही दोस्तों वे आपको बातचीत के लिए ना बोले, लेकिन आपको अपने से टाइम निकाल कर पार के साथ में संवाद करने चाहिए, हमदर्द को समझना चाहिए और उनके खुशी और गम को बांटना चाहिए। साथ ही दोस्तों आपके पार्टनर यह भी चाहते हैं कि दोस्तों ईमानदार रहे आप। दरअसल दोस्तों रिश्ते को निभाने की जरूरत में से एक है पार्टनर का ईमानदार होना। जी हाँ, और दोस्तों एक महिला जातक चाहते हैं आपके लव लाइफ में आने के बाद दोस्तों आप उनकी बढ़ती ईमानदार बढ़ते और इनसे आप दोनों के बीच प्यार की भावना बने रहते हैं, तो यह चीज भी दोस्तों आपके पार्टनर आपसे उम्मीद करते हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आप उनकी बातें सुने। दरअसल दोस्तों रिश्ते को मजबूती देने के लिए इन सभी बातें तो जरूरी है ही, लेकिन साथ ही दोस्तों यह भी जरूरी है कि आप पार्टनर की हर एक बात को सुने, किसी भी मसले पर फैसला सुनाए या राय बनाने से पहले अपने पार्टनर का पक्ष जरूर सुने। या कि अगर आप अपने जीवन काल में दोस्तों कोई भी फैसला लेने जा रहे हैं तो उसमें पार्टनर की राय ले, साथ ही उनका भी फैसला सुने। क्या पता दोस्तों उनकी तरफ से आपको कोई ऐसी फैसले सुनने को मिल जाए, कुछ ऐसी राय मिल जाए जो कि आपके लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी साबित हो जाए आप जो फैसला ले रहे हैं। तो इसलिए अपने पार्टनर के पक्ष को सुने, उनकी राय जरूर ले, और ऐसा आपके पार्टनर चाहते भी है, और उसे समझने की कोशिश भी करें, ताकि दोस्तों उस पार्टनर के साथ में रिश्ते में बंधन या फिर घुटन में महसूस ना होना, उसे घुटन महसूस हो नहीं आपको। तो इसलिए उनको समझदार कैसे पाएंगे, जब आप उनकी बातें सुनेंगे, उनकी फैसले सुनेंगे, साथ ही उनका राय लेंगे। कोई भी अगर आप फैसला ले रहे हैं तो उनका राय लेना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपकी लाइफ में आपके पार्टनर इन चीजों की उम्मीद करते हैं, यह चीज दोस्तों आपको भले की ना बताएं, लेकिन यह सारी चीजें अपने लाइफ में दोस्त वे आपसे चाहते हैं। दोस्तों हो जाइए सावधान, पिछले 13 सालों से इन देवता का साया आपके ऊपर मंडरा रहा है, आपसे एक चीज मांग रहे हैं, अगर इनकी मांग पूरी नहीं की तो बर्बादी निश्चित है दोस्तों, क्योंकि इन्हीं देवता के कारण आप अपनी जिंदगी में आज महसूस है। पिछले 13 सालों में 4 बार आप मौत को छूकर वापस आए हैं, आपके परिवार के लोग भी कई बार मरते मरते बचे हैं, आपके बच्चे बच्ची माता पिता साथ ही आपके परिवार के लोग भी कई बार मौत के मुंह से बाहर आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन देवता के कारण। दोस्तों अगर इन देवता की यह मांग आपने पूरी नहीं करी तो दोस्तों सब कुछ मिट्टी में मिल जाएगा, और अगर मांग पूरी कर दी तो दोस्तों समझ लो भिखारी भी करोड़पति बन जाएगा। और दोस्तों आज के इस वीडियो में इन देवता के बारे में सारी जानकारी मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि यह देवता आपके घर में ही मौजूद है, इनका साया आपके और आपके पूरे परिवार के ऊपर मंडरा रहा है। अगर इन देवता को आपने नाराज कर दिया तो यकीन मानिए आप अपनी और अपने परिवार की बर्बादी खुद अपने हाथों से करोगे, इसलिए भूल कर भी देवता को नाराज मत करना। आखिर कौन सी वह चीज है जो यह देवता आपसे मांग रहे हैं, सारी जानकारी में दोस्तों आपको देने वाला हूँ। यह देवता आपकी पूरी जिंदगी स्वर्ग बनाकर रख देंगे, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक आपको मेरे साथ बने रहे पड़ेगा। देखिए दोस्तों आपकी जिंदगी में कई सारे उतार चढ़ाव आए हैं, कई दुख कई तकलीफ आई है दोस्तों, लेकिन कोई भी दुख ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाया है, वह अलग बात है कि खुशियां भी टिक नहीं पाई है दोस्तों। दुख छोटे छोटे आए हैं, कुछ बड़े बड़े दुख आपके घर तो आए लेकिन घर से ही वापस लौट गए, क्योंकि यह देवता आपके घर की रक्षा कर रहे थे। कई बड़ी विपदा आई दोस्तों, लेकिन इन देवता के कारण सारी विपदा दोस्तों आपसे ही दूर रही है, लेकिन आपने पिछले कुछ समय में कुछ ऐसी गलतियां कर दी है जिससे यह देवता आपसे नाराज हो चुके हैं। दोस्तों आपसे बहुत ज्यादा खफा है यह देवता, क्योंकि दोस्तों आपने कुछ ऐसी गलतियां कुछ ऐसे पाप कर दिए हैं,
अगर आपको मैं बता दूं तो दोस्तों आपको भी चक्कर आ जाएगा सुनकर। अगर यह देवता आपको छोड़कर चले जाएंगे या आपसे क्रोधित हो जाएंगे तो दोस्तों आपकी बर्बादी को फिर कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ देवता दोस्तों आपकी रक्षा कई सालों से कर रहे हैं। सारी जानकारी मैं देने वाला हूँ, बस शुरुआत से लेकर आखिरी तक देखना और इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आज की यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहिएगा, वरना कुछ भी अच्छे से समझ नहीं आएगा आपको। दोस्तों वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिए। देवाधिदेव महादेव की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहेगी। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं और यह देवता आखिर कौन है, कहां आपके घर में रहते हैं और आखिर वह कौन सी चीज आपसे मांग रहे हैं। दोस्तों सारी जानकारी देगा। दोस्तों आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों जानते हैं कि आखिर सितारे क्या कह रहे हैं और यह देवता आखिर कौन है, कहां आपके घर में रहते हैं और आखिर वह कौन कौन सी चीज आपसे मांग रहे हैं। दोस्तों सारी जानकारी देगा। दोस्तों आइए वीडियो की ओर बढ़ जाते हैं। हो जाइए सावधान क्योंकि आने वाला समय आपके घर और पूरे परिवार के लिए काफी जरूरी और महत्वपूर्ण रहने वाला है। यह वही समय रहेगा जहां आपको काफी ज्ञान की प्राप्ति होगी, आपको सच्चाई का पता लगेगा और साथ ही साथ यह भी अंदाजा होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों जीवन में हर इंसान परमात्मा का अंश है। हमारे अंदर जो आत्मा बसती है वह परम ब्रह्मा का ही तो अंश है, जिसे मृत्यु के बाद पुनः परमात्मा में ही समाना होता है। अगर आपके द्वार पर कोई आ रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। अगर आपके आसपास कोई बैठा वहू है तो वह भी भगवान का अंश है। कोई आपका अपमान कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है और कोई आपकी तारीफ कर रहा है तो वह भी भगवान का अंश है। हमें हर प्राणी में भगवान को देखना चाहिए, देवताओं का रूप मानना चाहिए। कोई आपके घर में आ रहा है, उनकी मेहमान नवाजी बहुत अच्छी तरह से करनी चाहिए। परिणाम स्वरूप हमेशा हमारे ऊपर और हमारे घर के ऊपर देवताओं का आशीर्वाद बना रहता है और जिंदगी में हमें सब कुछ प्राप्त होता है, चाहे वह हमारा प्यार हो, चाहे वह गाड़ी हो, बंगला हो या सुख सुविधा की अन्य कोई और चीज हो। जीवन में यह बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम देवताओं को प्रसन्न रखें और हम अगर देवताओं से जुड़े रहेंगे, आस्तिक बनकर धर्म के नियमों का पालन करते रहेंगे तो हम आपको गारंटी देते हैं देवताओं का हाथ, उनका साया हमेशा आपके ऊपर, घर परिवार के ऊपर बना रहेगा। लेकिन दोस्तों आप कौन सी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से अक्सर वह देवता नाराज होकर आपका साथ छोड़ देते हैं, आपके घर से अपना साया हटा लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप घर में कई गलत लक्षण दिखाई देते हैं, कई अलग अलग तरह की नकारात्मकता आपके घर में फैल जाती है। तो आप बहुत कमाते हैं, तिजोरी में भर कर भी रखते हैं, ऐसा होता है पैसा लगाना पड़ता है, आप रोते हैं बिलखते हैं, आपको समझ नहीं इतना पैसा कमाता हूँ लेकिन फिर भी मेरा पैसा टिकता क्यों नहीं है, आखिर मैं इतना पैसा कमाता हूँ लेकिन मैं इतना ज्यादा रुपए पैसों को बचाने की सोचता हूँ लेकिन फिर भी रुपया बचता क्यों नहीं है। इसका कारण होता है आपकी कुछ विशेष गलतियाँ। सबसे दोस्तों आपके घर में कोई मेहमान आते हैं, मान लीजिए आप खाना खा है, आप अपने महत्वपूर्ण टीवी पर कोई प्रोग्राम देख रहे हैं या फिर अन्य कोई क्रिया या अपना कोई जरूरी काम कर रहे हैं, वहाँ पर अगर कोई मेहमान आ जाए तो अचानक से आपका मोह बन जाता है। आपको ऐसा लगता है उन्होंने आपके जरूरी कार्यक्रम के बीच में दस्तक देकर आपका पूरा कार्यक्रम बिगाड़ दिया। लेकिन शास्त्र कहते हैं वसुदेव कुटुम्बकम अर्थात भारत के हर घर में मेहमानों को भगवान मानना जरूरी है, इसीलिए अतिथि देवो भव की परंपरा को आज तक निभाया जाता है। अगर आप अपने सारे काम छोड़ उस इंसान को सम्मान देंगे, उस इंसान की परवाह करेंगे और उसका अनादर करने की बजाय उसे जल ग्रहण कराएंगे, नाश्ता पानी भोजन ग्रहण कराएंगे तो यकीनन उसके अंदर जो परमात्मा बसे हुए हैं देवताओं के रूप में, वह सदैव आपको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसका उल्टा करते हैं, उनका सम्मान नहीं करते, जल्दी से उनके घर से जाने की कामना करते हैं,
तो उन मेहमानों को तो आपसे कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि मानव का स्वभाव मानव जानता है, लेकिन भगवान फिर आपसे रुष्ट हो जाते हैं। वह देवता गण आपसे रुष्ट हो जाते हैं, जिसका नतीजा क्या निकलता है, आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। इसी के साथ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते या महिलाओं को गलत दृष्टि से देखते हैं। देखिए, शरीर की बनावट सभी की एक बराबर है, चाहे वह आपकी बहन हो, माता हो या अन्य कोई भी पराई स्त्री हो। इसलिए हमें जिस नज़र से हम अपनी बहन और माता को देखते हैं, उसी नज़र से बाहर की स्त्रियों को भी देखना चाहिए और हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। खास तौर पर गलती से भी किसी गर्भवती स्त्री का अपमान ना करें, वरना देवताओं के प्रचंड क्रोध का सामना आपको करना पड़ सकता है और आने वाले समय में बहुत सारी मुसीबतें आपको घेर सकती हैं। इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको अपने घर में हमेशा सकारात्मक माहौल बनाए रखना है। बहुत सारे लोग अपने घर में ही गाली गलौट करते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं और पूरी तरह से गंदी बातें उनके घर में होती है या फिर गंदी वाड़ा फैला होता है, जिसका नतीजा क्या निकलता है, कभी भी माता लक्ष्मी की कृपा उस घर पर नहीं बन पाती। उस घर में सदैव दरिद्रता बसी रहती है और कभी भी उस घर का कल्याण नहीं होता, मंगल नहीं होता। यानी इंसान अपनी बर्बादी का जिम्मेदार स्वयं होता है। देवता तो हमेशा हमारा साथ देना चाहते हैं, हमारे ऊपर कृपा बरसाना चाहते हैं, लेकिन इंसान अपनी मानवीय भूल के कारण उन्हें खुद से रुष्ट कर लेता है और हमेशा दुखी रहता है, मुसीबतों को भोगता रहता है। लेकिन दोस्तों, आज के वीडियो अगर आप अंत तक देखें तो देवताओं को प्रसन्न करने के कारण आपको प्राप्त जरूर होंगे। और जो इंसान आज के वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखेगा, उसे यह भी पता चल जाएगा कि आखिर उसे क्या उपाय करने हैं, जिससे हमेशा उनके घर परिवार पर देवताओं का साया बना रहे और कभी भी उनके प्रिय देवता उनका घर छोड़कर न जाएं। आगे वीडियो काफी महत्वपूर्ण है, वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहे। और माता भद्रकाली के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। आने वाले 3 दिनों में बहुत शानदार शुभ समाचार आपको प्राप्त होगा। दोस्तों, हम आपसे यह कहना चाहते हैं कि हमें जिंदगी में धैर्य का साथ नहीं छोड़ना है, यानी कि हमारे अंदर एक सहन शक्ति होनी चाहिए। आपका स्वभाव कुछ ऐसा होता है कि जरा सा किसी ने आपको अपशब्द कह दिए तो का खून खोल उठता है, लेकिन हमें देवी देवताओं के आचरण को भी अपने अंदर डालना होगा। जैसे कि अगर आपको कोई अपमानित करता है तो आपको मन ही मन एक ही बात सोचनी है कि अगर कोई आपको गाली दे रहा है, अपशब्द कह रहा है या खरी खोटी सुना रहा है, इससे आपके ही पाप कटते हैं। कोई इंसान आपके सही होने के बावजूद आपको गलत ठहरा रहा है, उस इंसान के पाप तो कम हो रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, है उस इंसान के पाप और ज्यादा बढ़ रहे हैं और आपके पाप कट रहे हैं। इसलिए हर परिस्थिति में शांत रहना सीखिए, क्योंकि कई बार देवता गण आपकी परीक्षा लेते हैं कि आखिर इस इंसान के अंदर कितना धैर्य है। और जब आप अपने धैर्य के बांध को तोड़ देते हैं तो उस परीक्षा में भी असफल हो जाते हैं और फिर कभी भी आपको देवताओं का साथ नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, क्या वह तरीके हैं जिनसे हमें मिलेगा देवताओं का साथ? आखिर वह कौन से उपाय हैं जिसके कारण हमेशा उनका साया हमारे घर पर बना रहेगा, जिससे हमारे घर में सुख शांति रहेगी, हमारे घर में हमेशा रौनक बनी रहेगी, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी? इसकी विस्तृत जानकारी आगे वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है, आगे वीडियो के साथ बिल्कुल अंत तक बने रहें। अब दोस्तों, जब पौराणिक काल में ईष्ट देव और कुल देवी देवताओं के बारे में बताया गया था तो उसके पीछे उद्देश्य था कि हर इंसान केवल एक भगवान में सारे भगवान को देखें। लेकिन आज के इस दौर में किसी को भी अपने ईष्ट देव की पहचान नहीं है, है कोई भी अपने कुल देवी देवताओं का, पितृ देवताओं का आदर सत्कार नहीं करता, समय पर उन्हें याद नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ऐसा नहीं करना है, हम आपको एक बेहतरीन तरीका बता रहे हैं, बहुत जरूरी उपाय बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिए। आपकी हर पीड़ा से आपको छुटकारा मिलेगा और जीवन की हर समस्या समाप्त हो जाएगी। दोस्तों, आपके पितर देव हमेशा आपसे यह उम्मीद रखते हैं
कि आप उनके हर्ग यारस को या हर अमावस को गौशाला में जाकर गौ माता की सेवा करेंगे, उन्हें खाने की कुछ सामग्री अर्पित करेंगे जो सीधा उन्हें प्राप्त होगी। इसीलिए आपको अपने जीवन में एक नियम बनाना होगा, अगर पितृदेव का आशीर्वाद आपको चाहिए तो हर ग्यारस के दिन, जो कि हर 15 दिन में आती है, आपको गौशाला जाकर उनके निमित्त गौ माता की सेवा करनी है, हरा चारा अर्पित करना है। इससे दोस्तों लाभ आपको 100% होगा, इससे आपकी कामना जरूर पूर्ण होगी। देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पर बरसेगा और साथ ही साथ स्वयं नारायण आपसे प्रसन्न होंगे और पितृ देवता आने वाली पीढ़ियों को भी मालामाल कर देंगे। लेकिन दोस्तों बड़ी विडंबना है, लोग अपने पितरों को याद नहीं करते और जब उन पर भयंकर पितृ दोष लग जाता है तो इधर उधर भटकते फिरते हैं, इधर अपनी समस्या का उपाय खोजते फिरते हैं, लेकिन वास्तविकता में उनकी ही गलती उनकी बर्बादी का कारण होती है। अब दोस्तों आज के बढ़ते मादन व्यवस्था में जहां बच्चे बहुत ज्यादा शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है, शिक्षा के साथ वे अपनी पौराणिक ग्रंथों की बातों को और शास्त्रों को भूलते जा रहे हैं, जैसे कि कई लोग आज के इस दौर में अपनी कुल देवी या कुल देवता की पूजा नहीं करते, जिस वजह से उनके रुष्ट हो जाने के कारण भी जातक को बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको यह काम बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको से एक बात जीवन में अपना लेनी है कि कुल देवी देवताओं के सानिध्य आशीर्वाद से ही हम जीवन में तरक्की प्राप्त करते हैं। अब उन्हें अगर हमें प्रसन्न करना है तो उनके नाम का एक दीपक आपको अपने घर के इष्ट कोण में लगाना चाहिए, उत्तर पूर्वी कोने में आपको या हो या तो हो सके, खास तौर पर शुक्रवार के दिन अपने घर के ईशान कोण में अपने इष्ट देव या कुल देवी देवताओं के नाम का दीपक आपको जरूर लगाना चाहिए। इसी के साथ भूलकर भी अपने रिश्तेदारी में किसी भी व्यक्ति के साथ दगाबाजी नहीं करनी है, बेईमानी नहीं करनी है, धोखे से किसी की कोई जमीन नहीं छीनी है और ही किसी के साथ दुर्व्यवहार करना है। आज के इस दौर में हम देखते हैं भाई भाई के दुश्मन बन चुके हैं, एक दूसरे के साथ जमीन जायदाद को लेकर लड़ा करते हैं और एक दूसरे को घर से निकालने में भी पीछे नहीं हटते, जबकि स्वभाव कुछ ऐसा होना चाहिए कि बड़े भाई को छोटे भाई को बड़ा दिल दिखाते हुए अपनी जमीन में से कुछ हक यादा दे देना चाहिए। यही एक बड़े भाई का धर्म है और छोटे भाई का धर्म है कि जो बड़ा भाई उसे दे स्वेच्छा पूर्वक उसे ग्रहण करना चाहिए। इस तरह की सोच अगर हमारे घर पर परिवार में हो जाए तो देवता भी हमसे प्रसन्न हो जाएं और उनका आशीर्वाद सदैव हमारे घर को मिल जाए। इसी के साथ दोस्तों बात अगर 33 कोटि देवी देवताओं की करें, हिंदू धर्म में 33 करोड़ नहीं 33 कोटि देवी देवता होते हैं। आज के इस दौर में अक्सर सनातन धर्म का मजाक उड़ाया जाता है कि यहाँ तो 33 करोड़ देवी देवता है, लेकिन करोड़ और कोटि में जमीन आसमान मान का फर्क होता है, इतना आप ध्यान रखें। 23 कोटि देवी देवताओं की कृपा अगर हमें पानी है तो आपको एक वृक्ष को सदैव अपना समय देना है, वह पेड़ है पीपल का पेड़, दोस्तों कहते हैं पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवता निवास करते हैं। अलग अलग भगवानों को पूजने के लिए अलग अलग मंदिर जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर तो एक ही पेड़ के अंदर हमें सारे भगवान मिल जाते हैं, तो हम इतना बड़ा मौका छोड़कर इधर उधर क्यों भागते हैं। आप एक बात गांठ बांध ले कि आपको हर मंगलवार गुरुवार और शनिवार पीपल के पेड़ के पास जाना है और जड़ों में जल चढ़ाना है। एक उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा, आपको देवताओं का आशीर्वाद मिल जाएगा। आखिर क्या है वह उपाय जरा ध्यान से सुनिए दोस्तों। आपको एक लोटे में जल लेना है, उसमें थोड़ा सा घी मिलाना है, थोड़ा सा दूध मिलाना है, थोड़ा सा शहद मिलाना है, साथ ही साथ हो सके तो गंगा जल भी उसमें आप मिला सकते हैं। सोने पर सुहागा हो जाएगा। यह घोल आप पीपल के पेड़ की जड़ में चढ़ाएं, अर्पित करें और मंत्र आपको कहना है ओम नमः शिवाय ओम श्रायन, काफी चमत्कार उपाय है, हर शनिवार यह उपाय करें, काम बनेंगे, मालामाल हो जाएंगे दोस्तों। नाथ ज्ञान रखें कि सप्ताह में 7 दिन होते हैं
और पीपल के पेड़ को केवल शनिवार के दिन ही स्पर्श किया जाता है। ब्रह्मा पुराण के एक अध्याय में हमें यह मिलता है कि जो इंसान शनिवार के दिन पीपल के पेड़ का स्पर्श करता है उसे देवताओं की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसके पाप शून्य हो जाते हैं और हमेशा वह हर परिस्थिति में देवताओं का आशीर्वाद पाता है, उसके घर पर देवताओं का साया बना रहता है। तो आप भी अगर यह बात का ध्यान रखेंगे तो हमेशा देवताओं का साया आपके घर पर बना रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, जीवन में कर्मठ बनना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि शनि देव भी जातक के ऊपर अपनी दृष्टि डालते हैं। अच्छे दृष्टि का अच्छा परिणाम और बुरी दृष्टि का बुरा परिणाम मिलता है, लेकिन अगर आपके ऊपर शनि देव की दृष्टि है तो आप जीवन में दिन प्रतिदिन तरक्की करेंगे और उस अच्छी दृष्टि को पाने के लिए आपको सभी का सहयोग करना होगा। किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना है, पशुओं का कभी भी अहित नहीं करना है और सत्य कभी भी नहीं कहना है। आप अपने जीवन को अच्छे कर्मों से भर दीजिए, फिर शनिदेव की ऐसी कृपा आपको प्राप्त होगी कि आप मालामाल हो जाएंगे। लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। कलयुग के इस दौर में इंसान लगातार पाप करता रहे और करता जा रहा है। पशुओं को काट कर वह खाता है, दिन रात मदिरा का सेवन करता है और हर तरफ से पाप कर्म ही उसका आचरण बन चुका है। उसका चरित्र खराब हो चुका है, जिससे शनि देव की बुरी दृष्टि उस पर पड़ती है और उसका आने वाला समय और बुरा हो जाता है। आप समझ चुके होंगे, सब इंसान के कर्मों का खेल है। अगर कर्म अच्छे हैं तो जिंदगी अच्छी है, और अगर आपने कर्मों को ही बिगाड़ लिया तो फिर देवता भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और अगर अपने कर्मों को सही ढंग से सही चीज में लगा करके चलेंगे तो देवताओं का भी आशीर्वाद अच्छी है। और अगर आपने कर्मों को ही बिगाड़ लिया तो फिर देवता भी आपको नहीं बचा सकते हैं। और अगर अपने कर्मों को सही ढंग से सही चीज में लगा करके चलेंगे तो देवताओं का भी आशीर्वाद बना रहेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार, धन्यवाद।